हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करना उसको भी मैं बताऊंगा, कहां से इंस्टॉल करना उसको सब कुछ मैं बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कि हम एडिटिंग करते समय उसमें कटिंग कैसे करेंगे और उसमें म्यूजिक कैसे लगाएंगे, एनिमेशन कैसे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, वीडियो एडिटिंग इतनी आसान नहीं है दोस्तों। तो आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल सके और उसको आप देखकर जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को पूरा बताएंगे इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस है सब कुछ मैं बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हमको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर हमको VN ऐप लिखकर सर्च कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप यहाँ VN वीडियो एडिटर एक ऐप आ गया, नीचे देखेंगे देख रहे होंगे आप लोग, इस पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड होने लगेगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा मैं उसके आगे पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों ये जो है ऐप इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। दोस्तों, फाइनली ऐप इंस्टॉल हो गया है, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। यहां से ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से देखिए ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, अलाउ VN वीडियो एडिटर टू एक्सेस फोटो एंड वीडियो ऑन दिस डिवाइस, इसको हम अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट, एक कैंची बनी हुई है उसके लिए नीचे लिखा हुआ न्यू प्रोजेक्ट, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको जो भी वीडियो एडिट करनी है उसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट। तो दोस्तों, वीडियो को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करना उसको भी मैं बताऊँ। तो दोस्तों देखिए, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखाता हूं कैसे इसमें कहां पर गड़बड़ी है, कहां पे हमको कट करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे पहले मैंने अपने सर पर हाथ रखा, बाल को सही किया, उसके बाद अब मैं बोलने वाला था। तो दोस्तों, यहां पर आपको पकड़ना होगा कि आप जैसे इस तरीके से वीडियो एडिटिंग मतलब वीडियो अगर बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमको इसको कट करना है दोस्तों, इसको हमको कटिंग करनी होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए मेरा चेहरा देखा देखिए जो है बोलने वाला ही है, तो मैं यहाँ करता हूँ क्या, नीचे यहाँ देखिए स्प्लिट, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, स्प्लिट एक कैंची बनी हुई है, इस कैंची वाले क्लिक बटन पर इसको कैंची पर हमको क्लिक कर देना इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक जो है इस तरीके से छोटा सा फोटो का आइकन आ गया, यहाँ पर छोटा सा एक बॉक्स बन गया, इसको हम यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आपको दाहिनी तरफ दिख रहा होगा कैंची के बगल में, यहाँ से इसको ऐसे डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद दोस्तों अब हमको वीडियो को दोबारा प्ले करना है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करना उसको भी मैं बताऊंगा, कहाँ से इंस्टॉल करना उसको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कि हम एडिटिंग करते समय उसमें कटिंग कैसे करेंगे और उसमें म्यूजिक कैसे लगाएंगे, एनिमेशन कैसे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करेंगे बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, वीडियो एडिटिंग इतनी आसान। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, अब क्या है कि इसमें लास्ट में हमको जाना है, लास्ट में मैंने कैमरा बंद करना स्टार्ट किया है, तो उसका भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे उसको कट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको आप लोगों को ले चलता हूँ सबसे लास्ट में, इस तरीके से हम स्क्रॉल कर लेंगे तो लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा हमको प्ले करना होगा। मतलब जो भी प्रोसेस है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए, अब चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इतना जो है मैंने
कैमरा मतलब कैमरा बंद करने जा रहा हूँ। तब हमको क्या करना दोस्तों, जैसे मैं कैमरा बंद करने जा रहा हूँ, उसको हमको कट कर देना है वहां से। कैसे करना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग दोबारा इसको आ जाइएगा वापस, थोड़ी दूर मतलब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेंगे, बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को दोबारा स्टार्ट करने के बाद दोस्तों प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद प्ले करने के बाद जहां देखेंगे कि चलिए चलते हैं मोबाइल पर, मोबाइल स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, तो हम पर लास्ट में जो आएगा उसको हम वीडियो को काट देंगे स्क्रीन पर। अब यहां से हम वीडियो को काट देंगे, तो हमको क्या करना, स्प्लिट पर क्लिक कर देना। इस तरीके से स्प्लिट पर क्लिक करेंगे जैसे ही को कट जाएगा वीडियो उतनी उतनी जगह से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस तरीके से इस पे क्लिक हो जाएगा दोस्तों। इसको हमको नीचे से डिलीट कर देना इस तरीके से। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है अब यहाँ से कट गया। अब आप देखेंगे तो पूरा वीडियो इसमें सही से आ गया। तो दो एक बार मैं दोबारा चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो एडिटिंग किस ऐप से कर, ठीक है दोस्तों, इस तरह मैं लास्ट में दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा। अब लास्ट में आप देखिए वीडियो के अंदर में दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। अब देखिए पूरा आ गया, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा आ गया, ठीक है। ये मेरा वीडियो सेट हो गया कि मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली, मतलब यहाँ से वीडियो को सही कर लिया, जो आगे का बैकग्राउंड मतलब जो आगे का वीडियो था जितना हमको कट करना था उसको कट कर लिया, पीछे का जो कट करना था पीछे का कर लिया। अगर बीच में दोस्तों कहीं डिफॉल्ट होता है तो हमको ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए अब जैसे मुझे यहाँ पर कट करना था, हम क्या करेंगे स्प्लिट, स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे ऐसे। तो वीडियो हमारी जो है यहाँ से देखिए आधी कट गई, ठीक है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, येलो पीला कलर का जो है ऐसे ऐसे जो मतलब दिख रहा है आपको, तो वीडियो हमारी अलग अलग हो गई। अब इसको हमको कैसे मतलब क्या करना, जैसे मैं तो आप लोगों को उधर के तौर पर बता रहा था, अगर अब मुझको कट नहीं करना है, इसको हमको यहाँ से अगर कट नहीं करना है, जैसे मेरा सपोर्टर मेरा कट भी गया, तो हमको यहाँ से ऊपर देखिए प्ले के बाई तरफ देखिए दो तीर दिख रही है, एक बाई तरफ एक दाई तरफ। तो यहाँ देखिए बाई तरफ का जो तीर है वो सफेद हो रखा है क्योंकि उस पर कट का निशान है, तो उसको हम जो कट किया है। तो मैंने इस तरीके से बना हुआ कि हम इसको रिवर्स लाने के लिए, दोबारा लाने के लिए, रिवर्स लाने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा पूरा जो है दोबारा फिर से जो है ये सही हो गया, इस तरीके से पूरा जुड़ गया है। अब दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, ये तो हो गया पूरा सेटिंग, ठीक है। अब इसमें जैसे हमको कोई अलग से फोटो, बहुत सारे लोग अलग से फोटो लगाते हैं इसमें, तो हम उसको भी यहाँ से लगा सकते हैं। कैसे लगाना चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो एडिटिंग का एक कोई एनिमेशन ले लेंगे, उसको हम अपने गूगल से जाके डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे ऐप हैं, जैसे वहाँ कैनवा है, बहुत सारे ऐप है मतलब सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप जो है सर्च कर लीजिएगा आप लोग गूगल पर जाकर, तो वहां से आप मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद जो है यहाँ से क्या करना है हमको, अगर उसको लगाना है तो जैसे डाउनलोड कर रखा है मैंने पहले से, तो हमको देखिए यहाँ पर जहाँ ये फोटो दिख रहा हमारा, जैसे जो हमारा यहाँ पर देखिए ये जो अभी यहाँ आया यहाँ पर, इसके ऊपर देखेंगे तो प्लस का आइकन दिख रहा है तीन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैप टू एड स्टीकर, टैब टू ऐड सबटाइटल, टैब टू ऐड म्यूजिक, ठीक है दोस्तों। तो हमको एनिमेशन लगाना है, इस पर एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, वीडियो फोटो और स्टिकर, तो हम वीडियो पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। अब वीडियो पर क्लिक करने के बाद जैसे हम अगर फोटो यहाँ लगाना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है, तो हम फोटो भी लगा सकते हैं, और अगर हम वीडियो लगाना चाहते हैं वहां पर तो हम वीडियो भी लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम आप लोगों को आज जो है क्या बोला मैंने अभी कि आज मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाने वाला हूं, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर एक एडिटिंग का फोटो ले लेंगे चाहे वीडियो ले लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ले लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमको क्या करना है, इस तरीके से आ जाएगा, इसको हमको बड़ा कर लेना है, ठीक है, इसको यहाँ स्क्रॉल करके ऐसे बड़ा कर लेना है, ठीक है, उसको सेट कर लेना है पूरा यहाँ से स्क्रॉल करके। अब हमको दोबारा प्ले करना है शुरू से, ठीक है, तो चलिए हम प्ले करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो एडिटिंग किस ऐप से कर, अब देखिए दोस्तों जैसे मैं वीडियो एडिटिंग बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए वीडियो एडिटिंग का एक फोटो आ गया एनिमेशन।
तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एनिमेशन यहाँ लगा सकते हैं, जहां जहां आप लगाना चाहते हैं आप वीडियो को स्टार्ट कर लीजिएगा, उसके बाद वहां रोक दीजिए, रोकने के बाद आपको यहां से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, यहां से अपना फोटो वीडियो जो भी अपलोड करना होगा वहां से कर लीजिएगा। अब जैसे दोस्तों इसमें इसको भी आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला, अभी देखिए दोबारा मैं चालू करता हूँ, बताने वाला हूँ। अब हमको इसको मान लीजिए छोटा करना है कि जिससे इसके बाद मेरा जो है वीडियो आ जाए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक कर देना है, उसके बाद हमको देखिए दो तीर दिख रही है, अगर हमको बाईं तरफ से कम करना होगा तो हम बाईं तरफ से इसको ऐसे प्रेस करके ये देखिए छोटा कर लेंगे, ठीक है। अगर हमको दाहिनी तरफ से कम करना है, जिसको हम यहाँ से दाहिनी तरफ से छोटा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम कर लेंगे, और हम इसको इस पर प्रेस करके आगे पीछे भी ले जा सकते हैं, देखिए देखिए जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, सिर्फ वॉइस के अनुसार आपको सेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। अब आ गया आपको जैसे कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं आप, तो म्यूजिक के लिए क्या करना होगा, आपको देखिए यहाँ पर ऊपर में प्लस का एकदम जहां से हम प्ले कर रहे हैं उसके नीचे देखिए एक जो है प्लस का आइकन बना हुआ, म्यूजिक का आइकन बना हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें तीन ऑप्शन है, म्यूजिक, इफेक्ट, रिकॉर्ड। तो जैसे म्यूजिक का मतलब वो जैसे जो हम म्यूजिक डाउनलोड करके रखेंगे उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे म्यूजिक पर हमको लगाना है यहाँ पर, ठीक है, हम क्लिक कर दिए, यहाँ से इसको अलाउ कर दिए, ठीक है। तो म्यूजिक फेवरेट माई म्यूजिक, तो म्यूजिक में यहाँ से जो बीएन ऐप में म्यूजिक है उसको देगा यहाँ से, और माय म्यूजिक में जो मैंने डाउनलोड कर रखा है वो म्यूजिक मुझे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम जाते हैं माय म्यूजिक पर। अब हमको क्या करना है, जैसे दोस्तों अभी तो मैंने इसमें डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो हम डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद लाकर इसमें जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। फाइल ऐप में जाएंगे, वो जो है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मैंने इंस्टॉल कर डाउनलोड कर रखा था, लेकिन एक सेकेंड टेंगे टेंगे, तो दोस्तों इस समय मेरे अभी इस ऐप में है नहीं, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे भी मैंने इसको खोला, तो यहाँ से आप जो है जो भी होगा आपका आईडी वो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ से जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको यहाँ से म्यूजिक यूज करनी है, तो हम जैसे यहाँ यूज लिखा हुआ है इस पर यूज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से प्ले कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मैं अपने तो दोस्तों जैसे ये म्यूजिक मेरे पास थी, तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे देखिए सही का टिक दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हमको म्यूजिक भी चलानी है, वॉइस भी चलानी है, तो चलिए हम एक बार दोबारा चला के दिखाते हैं हम लोगों को। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं, अब डबल आवाज आ रही है, तो जैसे इसमें हमको म्यूजिक भी चलनी चाहिए और जो है हमारा वॉइस भी चलना चाहिए, या अगर आप म्यूजिक चलाना चाहते हैं म्यूजिक चला सकते हैं, अगर आप और उसके बाद अगर आप वीडियो की म्यूजिक चलाना चाहते मतलब म्यूजिक माइक ऑन करना चाह रहे हैं तो उसको भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अगर वीडियो की वॉइस बंद करनी है, तो यहाँ देखिए एक माइक का जो है यहाँ पर बना हुआ है लोगो नीचे, जहाँ वीडियो आपकी ये है, ठीक है, यहाँ इस पर हमको क्लिक कर देना, इस तरीके से क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है वीडियो का वॉइस बंद हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अब हमको जो है क्या करना है, अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए म्यूजिक नहीं लगानी है, तो हमको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है, दोबारा से हमको यहाँ माइक पर क्लिक करेंगे तो माइक जो है ओपन हो जाएगा। एडिटिंग के बारे में बताने वाला तो दोस्तों इस तरीके से आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं और एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमको वीडियो को सेव करना होता है, सेव करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान दिख रहा है, देखिए यहाँ पर नीला कलर का और तीर का निशान दिख रहा है, इस पर हमको जो है इसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है उसके बाद यहाँ नीचे जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर इस पर हमको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यह वीडियो जो है गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा, देखिए अभी जो है वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीडियो को बना सकते हैं और इसको जो है पूरा एडिटिंग करके आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप जो है इसको अपने यूट्यूब चैनल पर
अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो कि मुझे और इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों क्या होता है, इसको चलाते चलाते भी लोग सीख जाते हैं, और इसमें बहुत सारा चीज है। अभी इसमें एनिमेशन देखिए आप, जैसे इसमें ये भी लगा सकते हैं कि आपको देखिए इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आता है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों बताने के लिए, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बिल्कुल सवाल पूछिएगा, आप बिल्कुल बेझिझक कोई भी चीज पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।